पढ़े लिखे लोग अगर इस कैंपेन से जुड़ते हैं तो ज़रूर आम आदमी पार्टी को साथ मिलेगा और लोगों का, क्योंकि ये चीज़ें लोगों में अवेयरनेस फैलाती है कि जब एक पढ़ा लिखा इंसान इनको प्रमोट कर रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, इसलिए ये लोग सब सपोर्ट में आएंगे। बात तो सही है क्योंकि जो काम करेगा उसके सपोर्ट में हमें आना ही चाहिए, ये नहीं कि किसी पार्टी या कुछ भी देख के उसको वोट देना चाहिए। हमारा तो यही मानना है कि जो आपके लिए काम करे उसको वोट दो, उसको सपोर्ट करो। चाय बेचने से मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को वोटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी, मैं आई डोंट थिंक सो। वो ठीक है अपना उसका वो है, अगर वो इसको इसके ज़रिए अगर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, तो अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट लेके किसी पार्टी को अपनी तरफ से अगर कुछ सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस है और उसको लगता है कि हाँ भाई प्रोग्रेस हुई है, पार्टी ने काम किया है, तो डेफिनेटली करना चाहिए। ये अपने इंडिविजुअल वो है, कुछ नहीं कह सकते, कई लोग इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं, कई लोग नहीं भी होते हैं। कोई इंसान किसी को आम आदमी पार्टी का काम अच्छा लगा तो वो उसके लिए ये काम कर रहा है, वो चाय का उसने सेटअप किया है स्टॉल और आम आदमी पार्टी के जितने भी काम हुए हैं उनके नाम से वो चाय बेच रहा है, तो इसमें एज सच कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। हाँ ठीक है, उसको आम आदमी पार्टी का काम अच्छा लगा तो वो उनके लिए फ्री में एक तरीके से कैंपेनिंग कर रहा है, आम आदमी पार्टी ने काम किया उसको ऑब्जर्व हुआ। अगर बाकी की पार्टीज भी करेंगी तो क्यों उस नहीं करेगा प्रमोट? अगर मैं भी हूँ मुझे किसी पार्टी का काम अच्छा लगेगा तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, 10 लोगों से करूँगा। अगर बीजेपी कांग्रेस ये लोग भी कुछ काम करेंगे तो हर कोई बंदा उनकी भी प्रमोशन करेगा, लोगों को बोलेगा, जैसे अभी मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि काम किया है इन्होंने अपनी जगह। Man can, you know, like bring about a major change in the vote bank, but at least, you know, like common people, like laborers and, you know, like office goers, they spend quite a lot of time at tea stalls, so there's bound to be a good conversation among them. So I think, you know, maybe